तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों का भोजन कौन और कैसे बनाता था। महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई कई अद्भुत कहानियां अभी भी ऐसी हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। इसमें से ही एक महाभारत युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए भोजन बनाने से जुड़ी कहानी भी है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी की एक अक्षुहिणी नारायणी सेना सहित कौरवों के पास इस युद्ध में 11 अक्षुहिणी सेना थी। वहीं पांडवों ने दूसरे राज्यों की मदद से 7 अक्षुहिणी सेना को अपने साथ मिला लिया था। इस तरह एक अनुमान के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच युद्ध में करीब 40 से 50 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में इतने लोगों के लिए भोजन बनाना भी आसान नहीं था। दिलचस्प यह भी है कि हर दिन युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक मारे भी जाते थे। ऐसी स्थिति में शाम का भोजन कितने लोगों के लिए बनाना है, यह भी एक बड़ी उलझन थी। अगर कम बनाया जाए तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, या फिर अगर भोजन ज्यादा बन जाए तो यह बर्बाद भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं महाभारत के युद्ध में सैनिकों का भोजन बनाने के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिसे जान के आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कौरवों की ओर से 11 अक्षुहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षुहिणी सेना ने भाग लिया था, यानी कि इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 40 से 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ अब यह सवाल उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये प्रबंध करता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम को किस हिसाब से खाना बनता था। आइए जानते हैं। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। उस काल में आर्यव्रत के समस्त राजा या कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मिणी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक और राज्य ऐसा भी था जो युद्ध क्षेत्र में होते होते भी युद्ध से विरक्त था, और वो राज्य था दक्षिण का उदुपी राज्य। तो अब हम जानेंगे कि क्यों राजा ने श्री कृष्ण जी से किया था निवेदन। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब इस राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न शुरू कर दिया। लेकिन उडुपी के राजा बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थिति इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना होगी। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा कि सत्य है तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध में मैं भाग लेना उचित नहीं समझता। इसी कारण से इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझ में नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता है। इसी कारण से मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। राजा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 40 से 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, तो कैसे राजा ने संभाली थी भोजन की कमान। इसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाल लिया। पहले दिन उन्होंने उपस्थिति सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर से योद्धा यह देखकर हैरान रह जाते। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों का ही भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। आखिर जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उदुपी राजा से पूछ ही लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न गया। मैं आपसे इसका रहस्य अवश्य जानना चाहता हूँ। तो क्या रहस्य बताया था उडुपी राजा ने? अपने जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है, उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता है। अगर वे नहीं होते तो कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तभी उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई और कितनी छोड़ दी। वे जितनी मूंगफली खाते थे, उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाया करता था। यही कारण था जिससे युद्ध के दौरान कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।